देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी विपक्षी पार्टियां। 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। इंडिया दल के लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, तो देश भर में विरोध प्रदर्शन विपक्षी पार्टियां करने जा रही है। 146 सांसदों के खिलाफ जो है ये किया जा रहा है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, उनको लेकर विपक्षी पार्टियां देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेगी। देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब देश भर में जो 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, उनको लेकर विपक्षी पार्टियां देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने जा रही हैं। और एक बार फिर से अजय का रुख करेंगे। अजय, 146 सांसदों के खिलाफ जो है देश भर में विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, क्या जानकारी है? देखिए, जो सदन से 140 सांसदों को निलंबित किया गया था, क्योंकि सुरक्षा की जो सूझ हुई थी संसद के अंदर उसकी अभाव उठाई गई थी, लेकिन अभाव उठाने का तरीका कुछ और था, उसको लेकर के वहां से निलंबित किया गया। लेकिन अभी दो दिन पहले यूथ कांग्रेस ने भी काफी प्रदर्शन किया था। देखिए, आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन किशन लवली की अगुवाई में पूरी दिल्ली के अंदर कई राज्यों के अंदर भी इस तरह की जो धरने प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि इसको संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी भी यहां पहुंचेंगे और जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो भी यहां पहुंचेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। कल बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो देखिए अब आमने सामने की टक्करी की लड़ाई शुरू हो गई है कि आप हमें कहो। कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई है। अब देखना यह होगा कि 2024 में जो मुद्दा रहेगा, क्या दोनों पार्टियों का सुरक्षा को लेकर के या जो उपराष्ट्रपति पर टिप्पणी की गई थी उसको लेकर बनी रहेगी, देखने वाली ज्यादा। क्योंकि आज बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर रूट भी चेंज किया जा रहे हैं, क्योंकि काफी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि अरविंद सिंह लवली ने कहा कि 272 जो विधानसभा है उन सभी से लोगों को कैसे किया जाएगा और बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा खोला जाएगा। जी, इंडिया गठबंधन के सदस्य जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पार्लियामेंट के एरिया पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब संख्या ज्यादा आती है तो कहीं ना पुलिस अलर्ट पर रहती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में माहौल बड़ा खराब होने की स्थिति है। लेकिन जब राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, सांसद अनुकरण जो खड़के हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और अन्य लोग भी वहां पर पहुंचेंगे, कई मंत्री भी वहां पहुंचेंगे, सांसदों की आने की सूचना है। तो देखिए, माहौल गरमाया, पार्लियामेंट थाना से लेकर और प्रदेश तरफ इंडिया की तरफ से लेकर पूरा जो रूट है वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो सर्कल एरिया होता है। पब्लिक जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अंदराती है, तो पुलिस को भी मुश्किल हो जाता है उनको संभालना। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की तैयारी है पूरी तरह से चौंक है और जगह जगह जो बैरिकेड वो किया जाते हैं। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।